35 मिनट में मैं जब जेल पर राउंड करने के लिए आया तो उस समय तो अंदर राउंड करने के बाद तो जिस एरिया में इससे भागे हैं उस एरिया तरफ गया तो जवान ने बताया कि साहब तो कुछ गड़बड़ है, कुछ बंदियों की जागने की और हलचल ऐसी आवाज़ लगी। मैं तुरंत तो जवान से पूछा और उसने बताया कि साहब 11 नंबर बैरिक का कुछ सरिये कटे हैं। तुरंत मैं वहाँ जाकर देखा तो दो सरिये कटे हुए थे, वो बाहर से रस्ता है तो कोने की दीवार से बिजली के पोल से रस्ता बाहर से बांधा गया और एक रस्ता अंदर से निकल गया। और उस रस्ते के सहारे चार बंदी गए। कड़ी सुरक्षा में अगर आरोपी जो है बेरे की कड़ियों को तोड़कर इतनी बड़ी रस्सी लेकर बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये जवानों की थोड़ी लापरवाही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मिली भगत लिए तो जांच का विषय है, जो भी आएगा आरोपियों के पास कहां से। अब ये जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा उसमें तो सर अभी कुछ इनाम इनाम की घोषणा हुई वो एसपी साहब की तरफ से होगी, पुलिस विभाग की तरफ से। बाहर के लोगों ने भी सहयोग कराया सर? हाँ, बाहर के लोग जरूर आए होंगे क्योंकि बाहर पोल पे रस्सा बांधना अंदर फेंकना। सर यहाँ पे सुरक्षा के किस तरह के इतने जाम और कितने यहाँ पे सुरक्षा कर्मी? सुरक्षा कर्मी में अभी 27 प्रहरी है जिसमें 7 महिला है, 20 पुरुष प्रहरी है। हेडवाटर में 4 पद हैं जिसमें से 3 रिटायर हो चुके हैं, केवल एक ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये दीवार जो है कितने फीट की है और ये एग्जिट लगभग क्या समय रहा होगा? नहीं, समय है तो 3:30 और 4:30 के मतलब 4 के बीच का ही रहा है। 4 बजे ड्यूटियां बदली है तो उन लोगों का कहना कि हमने गिनती की थी और वो जांच में बयानों में आएगा कि सही चीज़ क्या थी। सरिया काटने की बात बता रहे हैं कि सरिया काट के गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में कट गया होगा। सरिया का वो सब इन अधिकारियों ने देखा है। हाँ, 4 आरी के पत्ते मिले हैं। सर आरी के पत्ते कैसे अंदर पहुँचे? अब वो है जांच का विषय है, उसमें जांच में जो भी है। अब सरिये 4 पत्ते हैं, 2 सरिये कटे हैं, है ना। अभी तक सर आपके कार्यकाल में कितने कैदी भागे हैं अभी यहाँ से? हाँ, यहाँ से एक भी कैदी नहीं भागा आपके कार्यकाल में? हाँ, नहीं नहीं, ये पहली घटना है। वरिष्ठ अधिकारियों को किस चीज़ को सूचित किया था? सब दूर है तो सूचना दे दी है, कलेक्टर साहब एसपी साहब स्वयं यहाँ आके राउंड करके मौका मुहैया किया। प्रशासन में कोई वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं? हमारे डी साहब आ रहे हैं। सर पिछली बार काफ़ी मतलब यहाँ से बहुत सारे कैदी फरार हो गए, उसके बावजूद आप 2009 में को भी पता थी, उसके बावजूद यहाँ से फिर कैदी भागने कटना कैसे? अच्छा सर, ये बताएं आपको कि ये जो 4 कैदी थे ये क्या काई की सजा काट रहे थे? ये NDPS के थे, इसमें 3 NDPS के थे और एक है तो 376 में 10 साल की सजा हुई। बताया जा रहा है ये हत्या का था? नहीं नहीं, हत्या का कोई नहीं है। यहाँ तो एक बंदी के दो प्रकरण थे, सबकी डिटेल्स निकली हुई है। बंदियों के नाम में है लेखराम पिता रमेश, इसकी उम्र 22 वर्ष थी और ये यहाँ चंदवासा का रहने वाला था। और एक है ये विचारण बंदी पंकज पिता राम नारायण, ठीक है सर, नाम है ना, चित्तौड़ का। ये अलग अलग पीरियड में थे, अंदाजन 2-3 साल से थे, 2017 से 2014 से 2016 से। ये इससे पहले कितने कैदी फरार हुए थे? 2009 में 5 कैदी फरार हुए। और में आगे जाओ, 5 3 आ गए, एक की डेथ हो गई, फरार हो गए। हाँ, एक बार अच्छा नहीं,